दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा के बेटे नक्सिंघानिया के किरदार से मशहूर हुआ ये बाल कलाकार आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इन्होंने लंबे समय तक अपनी मासूमियत और अभिनय से दर्शकों के दिलों को जीता। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं नक्श की रियल लाइफ में भी एक बहन है जो काफी खूबसूरत है। अगर दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं नक्श की रियल लाइफ बहन के बारे में कौन है, कैसी दिखती है और क्या करती है, तो ये सब बातें जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही नक्श के दमदार अभिनय के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नक्श का किरदार निभाने वाले इस बच्चे का असली नाम शिवांश कोटिया है। शिवांश कोटिया का जन्म 1 मई 2004 को मुंबई में हुआ था। शिवांश कोटिया अपनी पढ़ाई मुंबई में कर रहे हैं। शिवांश ने अपने टीवी करियर की शुरुआत साल 2012 में सब टीवी के शो मिसेस तेंदुगर से की थी। लेकिन शिवांश को छोटे पर्दे पर पहचान स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नक्सिंघाने की भूमिका ने दिलाई। शिवांश कोटिया ने फिल्मों में भी अभिनय किया है। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2013 में आई फिल्म बॉस से की थी। इस फिल्म में उन्होंने शेख पंडित के बचपन की भूमिका अदा की थी। इसके बाद वे फिल्म क्रिश और इंग्लिश बिंग्लिश में नजर आए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनकी रियल लाइफ बहन के बारे में। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि शिवांश कोटिया की बहन एक्ट्रेस नविका कोटिया हैं, जिन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है में चिक्की की भूमिका निभाई थी। नविका कोटिया का जन्म 20 मई 2000 को मुंबई में हुआ था। नविका कोटिया ने अपनी टीवी करियर की शुरुआत साल 2008 में स्टार प्लस के टीवी शो कसम से की थी। लेकिन नविका को भी छोटे पर्दे पर पहचान स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में चिक्की की भूमिका ने दिलाई। नविका कोटिया ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2013 में आई फिल्म भूल भुलैया से की थी। इस फिल्म में उन्होंने विद्या बालन की बचपन की भूमिका अदा की थी। उसके बाद वे कई दक्षिण भारतीय फिल्मों में नजर आईं। तो दोस्तों आपको शिवांश कोटिया की रियल लाइफ बहन कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।